देश में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ विपक्ष मुखर हो उठा है। आम जनता से जुड़े इन्हीं मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी किया और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पेट्रोल डीजल व गैस में दामों में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ सपा नेताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। सपा नेता व पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने सपा कार्यालय से विरोध मार्च निकाला, लेकिन पहले से तैनात भारी पुलिस बल ने उन्हें रीटगंज तिराहे पर ही रोक लिया। पुलिस की इस कार्यवाही से आक्रोशित सपा नेताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की, जहां सपा नेताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। सपा नेताओं के एक आक्रोश को देखते हुए मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट ने उन्हें समझाया बुझाया। वहीं सपा नेताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंप कर बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने की मांग भी की है। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, लगातार पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। जब दूसरे लोगों की सरकार हुआ करती थी तो यही नरेंद्र मोदी, यही राजनाथ सिंह, यही योगी आदित्यनाथ, यही स्मृति ईरानी सर पे सिलेंडर रख के प्रदर्शन करती थी कि गैस महंगा हो गया। गरीब आदमी और मध्यम वर्गीय आदमी के किचन में दिक्कत होती थी। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने पर ये भाजपा के नेता आंदोलन करते थे। आज हमारा सवाल है, आज जब केंद्र में इनकी सरकार है, प्रदेश में इनकी सरकार है, आज जब महंगाई बढ़ रही है तो भाजपा नेताओं के मुँह से आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है? मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के नेताओं से कि दूसरी सरकारों में आप ड्रामा करते थे या आज जो कर रहे हैं वो ड्रामा है। भाजपा के नेताओं को इस बात का जवाब देना चाहिए कि पहले जब महंगाई बढ़ती थी तो नारा लगाते थे महंगाई डायन खाए जागबा, तो पहले महंगाई डायन थी, आज इनकी मौसी या भौजाई है, इस बात का जवाब भाजपा के नेताओं को देना चाहिए। और समाजवादी पार्टी इस बात की मांग करती है कि पेट्रोल डीजल गैस के जो दाम बढ़े हैं, जो बेतहाशा मूल्य वृद्धि हुई है, इसको ये वापस लें। आज गांव गरीब किसान नौजवान परेशान है, सब्जी महंगी हो गई है, आलू का व्यापारी परेशान है। 4 सालों में योगी जी ने गन्ने का 1 रुपया भी दाम नहीं बढ़ाया है। गन्ने का किसान परेशान है, उसका भुगतान नहीं हो रहा है। गांव गरीब किसान नौजवान के साथ जो जुल्म अत्याचार ये भाजपा की सरकार कर रही है, समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है। और समाजवादी पार्टी अयोध्या महानगर अयोध्या विधानसभा ने आज प्रदर्शन किया है, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, व्यापारियों के लिए इस बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ अपनी बात रखा है और आने वाले समय में बड़ी लड़ाई लड़कर 2022